कौन सा हीरो नजर आ सकता है फिल्म में कैमियो करते, कैसी होगी फिल्म की कहानी, क्या वापस से फिल्म में गूंजेगा अब्बास टायरवाला के डायलॉग्स। नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वॉर टू मूवी से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। सिद्धार्थ आनंद इस बार कई बैक टू बैक फिल्मों के लिए तैयार हैं, जिसमें दो दो एक्शन फिल्में बैक टू बैक थिएटर में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हो गई है। एक बार फिर से ऋतिक के संग ला रहे हैं सिद्धार्थ आनंद फिल्म फाइटर, वहीं दूसरी ओर रोमांस के बादशाह शाहरुख खान एक्शन करते दिखेंगे आने वाली पठान फिल्म में। इन दमदार फिल्मों के बाद 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल जल्द ही लेकर आ रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद की कई फिल्मों में चाहे वो सलाम नमस्ते हो, बैंग बैंग हो या फिर रीसेंट में आई वॉर जैसी एक्शन फिल्म ही क्यों ना हो, अब फिल्म में अब्बास टायरवाला ने गजब के डायलॉग से फिल्म में चार चांद लगा दिए थे। चाहे वो मान ना मान, नो मेहमान जैसे फंकी डायलॉग्स हो या फिर दमदार फिल्म का दमदार डायलॉग, मौका मिले तो गोली चला देना, सोचना मत मैं नहीं सोचूंगा। तो जैसा सिद्धार्थ आनंद मोस्टली अपनी फिल्मों में पहली चॉइस ऋतिक रोशन को रखते हैं, ठीक वैसे ही हाल डायलॉग्स लिखने वाले में भी है डायरेक्टर का। तभी तो टायरवाला के टायर्स अभी तक सही सलामत चल रहे हैं राइटिंग ट्रैक पर। एक तरफ जहां वॉर 2 में ऋतिक का होना लाजमी है, ठीक वैसे ही काफी चांसेस है कि आने वाली वॉर 2 में दिखेगा अब्बास टायरवाला के धांसू डायलॉग्स। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, एक तरफ ऋतिक का एक्शन और वहीं अब्बास के दमदार डायलॉग्स, मजा ही आ जाएगा। वॉर 2 की स्टोरी में इस बार हमें ऋतिक रोशन एक नए अंडरकवर मिशन पर जाते दिख सकते हैं एक बार और, जहां उनकी विलन से मुलाकात होगी। और इस बार की स्टोरी में भी हमें देशभक्ति से जुड़ी कहानी में कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे देखने को मिल सकते हैं, और एक बार फिर से वॉर 2 में कम बैक कर सकते हैं एक नए किरदार में टाइगर श्रॉफ। खबरों की माने तो प्रभास इस बार विलन के रूप में नजर आएंगे, ऐसे में हो सकता है टाइगर मेन रोल में ना सही पर फिल्म में कैमियो करते जरूर नजर आ सकते हैं। वेल, अभी तक फिल्म को लेकर कोई ज्यादा ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, सो कुछ भी पक्का कहना नहीं जा सकता है, और सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। जो डायरेक्टर ट्रेलर के रिलीज से पहले ही फिल्म का टाइटल चेंज कर दे, वो तो भाई कुछ भी कर सकता है और कभी भी। तो तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप टाइगर और ऋतिक की जोड़ी को देखना पसंद करेंगे एक बार फिर से, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियो।